हेलो गाइस, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आपकी दोस्त बुशरा खान। चलिए स्टार्ट करते हैं आज कंप्यूटर का सेशन। फ्रेंड्स, मोस्ट प्रीशियस सेशन कर रहे हैं हम, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बार बार सुनते होंगे, जो सेशन आपको भेजाते हैं उनसे प्रैक्टिस करते होंगे और उनको खुद से एक्सप्लोर करने की कोशिश भी करते होंगे। तो हम बात कर रहे हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसके बारे में हम बता चुके हैं। टिम बर्नर ली इसके फाउंडर हैं, और ये प्रोग्रामिंग की प्राइमरी स्टेप है, प्राइमरी की बेसिक स्टेयर है, इसके बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। ये तमाम बातें तो हम आपको बता चुके हैं। कल हमने HTML टैग के बारे में बताया था। क्या कहा था कि हर फाइल को बनाने से पहले उसमें कई टैग्स की ज़रूरत होती है, और ये भी कहा था मैंने कि हर टैग को या टेक्स्ट को लिखने और टैग्स को ऐड करने के लिए हमें एक एडिटर की ज़रूरत होती है, और वो एडिटर होता है नोटपैड। क्या होता है नोटपैड? वो टेक्स्ट एडिटर होता है जहां हम टेक्स्ट एडिट करते हैं और टैग्स को यूज़ करते हैं, और जो टैग हम ओपन करते हैं उसको क्लोज भी करते हैं। तो अगर कोई टैग हम ओपन करेंगे तो उसको क्लोज भी करेंगे, ये एक शर्त होती है HTML की, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि जो टैग्स आप ओपन करते हैं उनको आप जो है क्लोज भी करें। तो आपको ये तो पता है कि हमारा बेसिक और प्राइमरी और फंडामेंटल एडिटर, टेक्स्ट एडिटर HTML का क्या है? नोटपैड। तो हमने कल क्या बताया था? नोटपैड के तरीके बताए थे, और नोटपैड के तरीके क्या बताए थे? तीन तरीके जिससे आप नोटपैड खोलें, टाइटल कंफर्म करें, और आपको कहा था कि पहला टैग आप कौन सा यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो पहला टैग करेंगे क्या? तो आप करेंगे लेस HTML ग्रेटर। कैसे बताया था? लेस वो बनता है शिफ्ट कॉमा के साथ, फिर लिखेंगे HTML, H हेड वाला, T जो है टेबल वाला, M मोर वाला, L लॉइन वाला, HTML ग्रेटर। ग्रेटर किससे बनता है? शिफ्ट डॉट से, शिफ्ट कॉमा से लेस बनता है, फिर हम HTML लिखते हैं, और फिर हमारा क्या बनता है जो है ग्रेटर। तो शिफ्ट डॉट से ग्रेटर, लेस HTML ग्रेटर। अब यहाँ हम नेक्स्ट लाइन ले लेंगे, नेक्स्ट लाइन, और आज का जो हम बता रहे हैं आपको टैग यूज़ करना, तो वो टैग कौन सा होता है ये सुनिए। उस टैग का क्या जो है, मतलब वो टैग्स कौन से होते हैं जिनके बारे में हम बता रहे हैं आज आपको यूज़ करना। सेकंड टैग कौन सा है? तो हम हेड टैग का यूज़ करते हैं। कौन सा? हेड टैग। तो पहला टैग होता है HTML टैग, दूसरा टैग होता है कौन सा? हेड टैग। तो हेड टैग, अब हेड टैग कैसे? तो यहाँ पे आप नेक्स्ट लाइन में आ गए हैं, अब यहाँ करेंगे शिफ्ट कॉमा यानी लेस, यहाँ लिखेंगे HEAD हेड, और यहाँ पर लेस हो गया, हेड हो गया, और अब करेंगे ग्रेटर, शिफ्ट डॉट से ग्रेटर। तो शिफ्ट कॉमा यानी लेस, शिफ्ट के साथ कॉमा यूज़ करेंगे, एक साथ करना होता है, लेस फिर हेड लिखेंगे HEAD, और फिर उसके बाद ग्रेटर शिफ्ट डॉट। तो लेस हैश, तो सॉरी लेस हेड ग्रेटर। कौन सा? लेस हेड ग्रेटर। तो आज का हमारा सेकंड टैग क्या हो गया? लेस हेड ग्रेटर। तो पहला कल का क्या था हमने? फर्स्ट टैग लेस HTML ग्रेटर, सेकंड क्या है? लेस हेड ग्रेटर। लेस लेस कैसे बनेगा? शिफ्ट कॉमा एक साथ और ग्रेटर शिफ्ट डॉट एक साथ। तो लेस और HTML और ग्रेटर, ये पहला टैग है। फिर नेक्स्ट लाइन में दूसरा टैग कौन सा लगता है? लेस, आपको बता दिए कैसे बनेगा लेस, HEAD हेड, लेस हेड, और फिर ग्रेटर। तो लेस हेड ग्रेटर, ये दोनों टैग लगेंगे। अब हम कल सिखाएंगे आपको टाइटल टैग। टाइटल टैग के बारे में फिर हम वर्ड, मतलब कुछ टैग बताएंगे, और फिर आपको फाइल बनाना भी बताएंगे। तो इस तरीके से आपको बहुत सारा, एक एक चीज़ पर मैं काफ़ी कुछ विस्तृत एक्सप्लेनेशन के साथ आपको करवाऊँगी। बस आप सीखते रहिए, एक्सप्लोर कीजिए, और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? तो ये आप एक्सप्लोर कीजिए और इन टैग्स को याद कर लीजिए, ठीक है? याद कर लीजिएगा। कल हम एक नए ट्यूटोरियल के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।